सर आज जो ये सम्मान समारोह है इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं इस सम्मान समारोह से भी पहले मैं राज्य के मुख्यमंत्री और राजस्थान के जननायक श्री अशोक गहलोत जी को आभार व्यक्त करता हूं उनका, और इसके साथ ही राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वो इसलिए कि जो ऐतिहासिक बजट कल विधानसभा में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया है, उसमें हर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने बजट रखा है। तो इसलिए इस आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, और राज्य की जनता को भी मैं जनता का भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये कार्यक्रम जो हमारे सेवा दल के साथी हैं पुराने, उन्होंने उन लोगों का सेवा दल में जिन्होंने काम किया है उनका सम्मान समारोह रखा है कि जैसे मेरे को भी राजस्थान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का सदस्य बनाया है माननीय अतुल शर्मा जी जो हमारे सेवा दल के रहे हैं, अतिरिक्त मुख्य संगठक और जिले के अध्यक्ष भी, इनको भी विजिलेंस कमेटी का मेंबर बनाया है, हमारे साथी भाई श्रवण खींची जी को भी विजिलेंस कमेटी का मेंबर बनाया, और अन्य साथियों को भी जिनको पदाधिकारी ये हमारे भाई पाठक जी है इनको भी गौसेवा आयोग का सदस्य बनाया। इन लोगों की इच्छा थी कि भाई हमारे बीच में जो काम, मैंने भी सेवा दल में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया है, तो इन्होंने हम लोगों का सम्मान रखा है। ये इनका और हमारा आत्मीय संबंध है सेवा दल के कार्यकर्ता साथियों का, ये अपना फर्ज पूरा करें, हम ईमानदारी से जीवन भर इनके साथ काम करते रहे हैं, और उम्मीद रखनी चाहिए हम सेवा दल के माध्यम से भी और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में भी कांग्रेस की सेवा करते रहें। इन लोगों को संबल देने का जिम्मा अब हमारा है, इसलिए इन्होंने याद किया है। मेरा नाम कैलाश सोहेल है, मैं प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का राजस्थान का अध्यक्ष रहा हूँ, वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का प्रभारी हूँ, और खादी बोर्ड का सदस्य मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बनाया है जी। अतुल शर्मा मेरा नाम है। मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों को बजट की शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही हमारे जननायक अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस शानदार बजट के लिए कि उन्होंने इस बजट में सभी वर्गों के विकास के लिए नई नई योजनाएं दी हैं, और करीब 19,000 करोड़ का राहत बजट, जो राहत का बजट दिया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। आज का यह कार्यक्रम हमारे सेवा दल की परंपरा के अनुसार है। हमारे सेवा दल के जो हमारे जयपुर ज़िले के साथी हैं, मदन जी निर्वाण हैं, दिनेश गुप्ता जी हैं, जाकिर बुलंद खान साहब हैं, इन लोगों ने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है, और इसके आयोजन का कारण ये है कि सेवा दल और सेवा दल से जुड़े हुए जो लोग, जिनको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान सरकार में भिन्न भिन्न पदों पर नियुक्त किया है, उन सबके सम्मान का कार्यक्रम है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, और इस कार्यक्रम के आयोजक मदन निर्वाण जी का, दिनेश गुप्ता जी का, जाकिर बुलंद खान साहब का। ये जो आज का कार्यक्रम है सेवा दल की तरफ से है, और सेवा दल जो भारत जोड़ो यात्रा में जो भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिन्होंने यात्रा की है उनका सम्मान है, प्लस जो भी राज्य सरकार ने नवनियुक्तियाँ भी नए दिए हैं, वार्ड अध्यक्षों में दिए हैं, ज़िले में दिए हैं, उनके लिए, उनका मान सम्मान के लिए है। और हमारी सेवा दल पार्टी है जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारी सेवा दल ये चाहती है कि हर वक्त किसी भी वक्त जरूरत पड़े तो सेवा दल उसमें काम, संगठन काम आए और पार्टी मजबूत हो। और हमारे माननीय विधायक जी भी, वो अभी आ रही 2 मिनट में, उनके भी यही सोच है कि हमारे एरिया में विकास और जो भी कार्य करता है उनका मान सम्मान और संगठन को मजबूत करने के प्रोप से मैंने ये प्रोग्राम रखा है। आज कुल कितने लोगों को सम्मानित किया जाए? आज वैसे तो हमारे पास लिस्ट है 32 आदमियों को हम सम्मानित करेंगे सब मिला करके, जो कार्यकर्ता है, जो बाहर गए उनको है, जिनका पद मिला उनको, प्लस जो यहाँ सेवा दे रहे हैं वरिष्ठ लोग हैं उनका 32 आदमियों की हमारी लिस्ट में नाम है। उसके अलावा भी जो हमें वरद है दिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट में मौजूद,
उनका भी हम सम्मान करेंगे, लेडीज़ों का भी हम सम्मान करेंगे, प्लस बच्चे बालिकाएं भी हमारे यहाँ बीच में मौजूद है, उनको भी हम सम्मान करेंगे और उनको भी हम आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है।